वार्षिक खेलकूद समारोह के तहत सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्य नगर में वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस समारोह में विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें प्रतिभागियों में प्रश्न पत्र का भी वितरण किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व प्राचार्य विष्णु प्रताप सिंह ने बताया। सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज आज खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में मेरा यहां आना हुआ है। यह संस्थान जहां छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को बढ़ावा देने का काम कर रहा, हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार भी लगातार खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है ताकि गांव में भी छुपी हुई प्रतिभाएं उनको मंच मिल सके। और आज सरस्वती विद्या मंदिर में जो रस्साकसी, वॉलीबॉल, गोला फेंक, भाला फेंक, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, चेस, कैरम, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने का के लिए आज यहां पर आयोजन हो रहा है। मैं आज यहाँ के विद्यार्थियों से मैंने अपील भी की है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, चरित्र निर्माण और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ने का काम करें। विद्यालय स्तर पे विद्यालय का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है ये, और बच्चों ने लगभग 10 दिन से लगभग 10 तरह के गेम, जैसे आपका वॉलीबॉल सामने चल रहा है, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, कैरम, चेस, कबड्डी, रस्साकसी आदि खेल अपने तैयार किए हैं। 8-10 दिन से लगे हुए थे, आज उसी का प्रदर्शन फाइनल हो रहा है। खिलाड़ियों के लिए बौद्धिक विकास और संस्कार के लिए संबंधित क्या? निश्चित रूप से अगर किसी छात्र में हम अगर देख रहे हैं कि वो उसका बौद्धिक स्तर और पढ़ने का तरीका ठीक रहे तो उसके लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ होने के लिए खेल ही ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे अपना पढ़ाई के साथ साथ खेल कर अपना स्वास्थ्य का अच्छा करें और जिससे उनका मानसिक विकास और स्तर बढ़े, जिससे अच्छे तरह से पढ़ाई भी कर सके और स्वस्थ भी रह सके।